और यहाँ पर आपको बताते चलें कि बालाज टीपू कातिल केस मरकजी मुलजम एहसन शाह फायरिंग से हलाक हो गया है। सीआईए मुलजम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। जराए के मुताबिक सीआईए की जेरे हिरासत मुलजम एहसन शाह फायरिंग से हलाक हो गया है। क्या कहना है पुलिस का इस हवाले से जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें पुलिस जराए का कहना है कि बलाज टीपू कत्ल केस का मरकज मुलजिम एहसन शाह फायरिंग से हलाक हो गया है। बताया जा रहा है कि सीआई पुलिस एहसन शाह को बरामद के लिए जा रही थी, लेकिन इस दौरान नामलूम मुलजमान की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के बायस सीआई पुलिस की हिरासत में मुलजिम जो एहसन शाह वो हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि मुलजिम को तश्वीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ गया। इस वक्त पुलिस की जानिब से जो जामक होने वाला एहसन शाह है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया है। पुलिस का कहना है कि नामालूम हमलावर है जिनकी जानिब से ये फायरिंग की गई और मुलजमान मौके से फरार हो गए। अलबत्ता मौके से शवाहद इकट्ठे करने के बाद मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, आबिद चौधरी आपका बहुत शुक्रिया।